स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? टुडे विल बी लर्न मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एडिशंस। जो आगे हमने पार्ट 1 में क्या देखा था, एडिशंस आगे की हमने एक्सरसाइज देखी थी, ओके। आज हम पार्ट 2 में एडिशंस ही देखेंगे आगे के, ओके। तो ओपन योर बुक पेज नंबर 57। ये जो 57 पे एडिशंस है वो हम पहले करेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि ऊपर ग्रेप्स दी गई है, ओके, दोनों बॉक्स में। तो फर्स्ट जो बॉक्स है उनकी ग्रेप्स हमें काउंट करके ये नीचे वाले बॉक्स में लिखना है। तो फर्स्ट हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, हमारी कितनी ग्रेप्स हुई, 3। सेकंड बॉक्स में है 1, 2, 3, 4, कितनी ग्रेप्स हुई, 4। दोनों नंबर्स को ऐड करके हमें आंसर लिखना है कि इक्वल कितना होता है। तो 3 + 4 इज इक्वल टू कितने हो गए, 7, ओके। फिर नीचे है एप्पल, तो एप्पल फर्स्ट बॉक्स में हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, तो एप्पल कितने हैं, 4। तो हमें ये फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखना है, 4। सेकंड बॉक्स हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, सेकेंड बॉक्स में भी 4 है, तो दोनों बॉक्स में क्या आएगा, 4, 4। अब हम क्या करेंगे, तो 4 है तो पहले 4 सर्कल, सेकेंड के भी 4 है तो उनके भी 4 सर्कल, और एक साथ सारे सर्कल हम काउंट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 + 4 इज इक्वल टू 8, ओके। फिर नीचे लेमन और ये पेड़ दिए गए हैं, दोनों आपको खुद से ये एडिशंस करने हैं, ओके। टर्न योर पेज नंबर 58, एडिशंस एंड मैच, ऐड एंड मैच, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग से सर्कल दिए गए हैं और दोनों साइड एडिशंस दिए गए हैं, उनका जो आंसर आता है वो सर्कल पे हम मैच करेंगे, ओके। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ये 3 है तो हमें क्या करना है, पहले 3 सर्कल कर लेंगे, फिर ये 2 है तो 2 सर्कल। अभी क्या करेंगे, दोनों सर्कल को हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हमें देखने की 5 सर्कल कहाँ पे है, ये रहे 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 3 + 2 को हम 5 सर्कल जो है वहाँ पे उनका जो आंसर आया 5 वहाँ पे हम मैच कर देंगे, ओके। ऐसे ही सारे एडिशंस कंप्लीट करने हैं। तो ये है 4, तो 4 सर्कल, 2 है तो 2 सर्कल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारा आंसर क्या आया, 6। तो 6 कहाँ पे है, ये रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारा आंसर आया 6। और 6 सर्कल जहाँ पे है वहाँ पे हमें मैच करना है। फिर है 3 + 4, 3 है तो 3 सर्कल, 4 है तो 4 सर्कल। अभी क्या करेंगे, सभी को एक साथ काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। तो हमारा आंसर आया 7। तो ये कितने सर्कल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इनको हम यहाँ पे मैच करेंगे। फिर 8 + 0, तो 0 तो काउंट नहीं होगा, तो 8 का 8 ही हमारा आंसर आएगा। तो 8 सर्कल कहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये रहा हमारा आंसर, ओके। फिर है 6 + 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 3 है तो 1, 2, 3, अभी एक साथ काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमारा आंसर आया 9, ये है 9 सर्कल, तो इनको यहाँ मैच कर देंगे। फिर है 2 + 1, 2 है तो 2 सर्कल, 1 है तो 1 सर्कल, 1, 2, 3, ये है 3, तो यहाँ पे हम मैच करेंगे। फिर है 1 + 3, तो 1 है तो 1 सर्कल और 3 है तो 3 सर्कल। अभी क्या करना है, एक साथ काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, ये रहा 4 सर्कल, तो इनको हम यहाँ पे मैच कर देंगे, ओके। तो एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई एडिशंस की, अब हम दूसरी साइड करेंगे 3 + 3, 3 है तो क्या करेंगे, 3 सर्कल, यहाँ पे भी 3 सर्कल, अभी एक साथ काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारा आंसर आया
सिक्स, तो सिक्स कहाँ पे है, ये रहे सिक्स, तो इनको यहाँ पे हम मैच करेंगे। फिर है टू प्लस थ्री, तो यहाँ पे टू सर्कल, थ्री है तो थ्री सर्कल, एक साथ काउंट करें, वन टू थ्री फोर फाइव, हमारा आंसर आया फाइव। फाइव सर्कल कहाँ पे है, ये रहे, तो इनको यहाँ पे मैच करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे दिया गया था एट प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या आया था, ज़ीरो, तो यहाँ पे भी वही आंसर आएगा, ज़ीरो प्लस एट। ओके, ज़ीरो है तो उनको काउंट नहीं करना है, तो एट का एट आंसर आएगा, तो एट को हम एट जो है सर्कल वहाँ पे हम मैच कर देंगे। फिर है थ्री प्लस सिक्स, थ्री सर्कल, ये है सिक्स, तो ये सिक्स सर्कल। ओके, एक साथ काउंट कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हमारा आंसर आया नाइन। ये जो नाइन सर्कल है वहाँ पे हम मैच कर देंगे। फिर है फाइव प्लस टू, तो फाइव सर्कल, ओके, फिर टू है तो टू सर्कल, सभी को एक साथ काउंट कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हमारा आंसर आया सेवन। ओके, तो सेवन ये रहा, तो इनको हम यहाँ से मैच कर देंगे। फिर है वन प्लस टू, तो यहाँ पे वन सर्कल, टू है तो टू सर्कल, एक साथ काउंट करें, वन टू थ्री, तो हमारा आंसर आएगा थ्री। कहाँ पे है ये थ्री, ये रहा। फिर है थ्री प्लस वन, तो यहाँ पे थ्री सर्कल, फिर वन है तो वन सर्कल, अभी एक साथ काउंट कर लेंगे, वन टू थ्री फोर, ये रहे फोर, तो इनको यहाँ पे मैच कर देंगे। ओके, तो ये हमारा ऐड और मैच कंप्लीट हुआ। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे ऐड, यानी कि एडिशंस देखेंगे कुछ अलग से, वो है टू प्लस सेवन इज इक्वल टू, कितना आंसर आएगा वो हमें देखना है। तो सेम एडिशंस में हमने आगे ये किया कि हमें जो नंबर दिया गया है उनका इतने सर्कल करने हैं, और दोनों नंबर का सर्कल करके सारे सर्कल एक साथ काउंट करने, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे टू है तो टू सर्कल, सेवन है तो सेवन सर्कल, एक साथ काउंट करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हमारा आंसर आएगा नाइन। ओके, थ्री है तो थ्री सर्कल, फाइव है तो फाइव सर्कल, एक साथ काउंट करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हमारा आंसर आया एट। फिर है फोर प्लस ज़ीरो, ओके, तो जो फोर है उनको तो हम काउंट करेंगे, बट जो ज़ीरो है उनको काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो फोर का फोर आएगा। फिर है टू प्लस टू, टू प्लस टू, ओके, वन टू थ्री फोर, हमारा आंसर आया फोर। फिर है वन, ये है थ्री, एक साथ काउंट करें, वन टू थ्री फोर, हमारा आंसर आया फोर। फिर है फोर प्लस वन, तो यहाँ पे फोर सर्कल, फिर वन सर्कल, एक वन टू थ्री फोर फाइव, हमारा आंसर आया फाइव। फिर है ज़ीरो प्लस टू, ओके, तो ज़ीरो तो काउंट नहीं होगा, टू का हमारा आंसर आएगा टू। फिर है थ्री प्लस फोर, तो थ्री है तो थ्री सर्कल, फोर है तो फोर सर्कल, एक साथ काउंट कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हमारा आंसर आएगा सेवन। ओके, तो ये हमारा एडिशंस कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे उनके नीचे एडिशंस, ये जो एडिशंस थे वो स्लिपिंग लाइन में थे, ओके, अब जो एडिशंस है वो स्टैंडिंग लाइन में है, तो वो हम देखेंगे। बट स्टैंडिंग हो या स्लिपिंग, दोनों एडिशंस एक ही जो उनकी पद्धति आती उनसे ही करना है। ओके, तो ये थ्री है तो थ्री सर्कल, सिक्स है तो सिक्स सर्कल, एक साथ काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हमारा आंसर आएगा नाइन। ओके, फिर नेक्स्ट है ज़ीरो प्लस एट, तो ज़ीरो काउंट नहीं होगा, ये है एट, तो एट हम काउंट करेंगे। ओके, एट का एट ही आंसर आएगा। फिर है टू, ये है थ्री,
एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, हमारा आंसर आया 5। फिर ये 5 सर्कल, ये है 2 सर्कल, अब एक साथ काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, हमारा आंसर आया 7। ओके, फिर है 6, तो 6 सर्कल, फिर 3 है तो 3 सर्कल, एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा आंसर आएगा 9। ओके, फिर यहाँ पे क्या करना है, 5 प्लस 0। ओके, तो 0 काउंट नहीं होगा, तो 5 का हमारा आंसर आएगा 5। फिर है 3 प्लस 3, तो 3 सर्कल, ये 3 है तो 3 सर्कल, एक साथ काउंट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। फिर है 1, ये है 7, तो 7 काउंट करेंगे, अभी एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा आंसर आएगा 8। फिर है 3 प्लस 4, 3 सर्कल, 4 है तो 4 सर्कल, एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, हमारा आंसर आएगा 7। ओके, तो ये जो स्टैंडिंग एडिशंस थे वो भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब टर्न योर पेज, पेज नंबर 60, राइट द मिसिंग नंबर। तो अब कुछ अलग से एडिशंस है, पहले तो हमें एडिशंस दिए गए थे, हमें सिर्फ उनका आंसर लिखना था। ओके, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडिशंस हमने नहीं दिए हैं, बट उनका आंसर दिया गया है। ओके, तो हमें इनका एडिशंस करना है कि कितने नंबर हम यहाँ पे डालेंगे तो उनका आंसर 5 आएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, 5। ओके, हम पहले नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, आपको ऐसे नंबर लिखने नहीं है, बट मैंने ये आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आंसर हमारा 5। हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर है, 5। ओके, तो हमें क्या करना है कि 5 हमारा आंसर है, 5 के पहले कौन सा, 5 के ऊपर कौन सा नंबर आता है, 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4, 4 के अंदर हम एक और डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। आपको समझ में है, ये 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 5। चलो अब नहीं समझ में आता है तो हम सर्कल करके देख लेते हैं, ये 4 है तो हम पहले 4 सर्कल करेंगे, 1 है तो 1 सर्कल, अब एक साथ काउंट करें 1 2 3 4 और 5, हमारा आंसर आ गया 5। ओके, ये हमारा एडिशन सही हुआ। ओके, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, के जो हमारा आंसर दिया गया है उनके जो ऊपर नंबर आता है वो लिखना है और प्लस 1 करना है। तो क्या होगा कि 5 के ऊपर आता है 4, 4 में और एक 1 हम डाल देंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा, 5। ओके, वैसे ही सारे एडिशंस करने हैं, चलो करते हैं। ये है 7 नंबर, तो 7 नंबर के ऊपर कौन सा नंबर आता है, 6 नंबर, तो हम यहाँ 6 प्लस 1 कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आया, 7। फिर है 4 नंबर, तो ये रहा 4, 4 के ऊपर कौन सा नंबर आता है, 3, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आया, 4। फिर है 8 नंबर, तो 8 के ऊपर कौन सा नंबर आता है, 7, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आया, 8। फिर है 6 नंबर, तो 6 के ऊपर कौन सा नंबर आता है, 5, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। फिर है 3 नंबर, तो 3 के ऊपर कौन सा नंबर आएगा, 2, तो 2 प्लस हम क्या कर देंगे, 1, तो हमारा आंसर आया 3। ओके, फिर है 9 नंबर, तो 9 के ऊपर कौन सा नंबर आता है, 8, तो हम यहाँ कर देंगे 8 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा आंसर आया 9। अब यहाँ पे क्या है, 1। ओके, तो ये रहा 1, बट हम क्या करेंगे, 1 के ऊपर, तो 1 के ऊपर तो कुछ नहीं आता है, तो हम क्या लगा देंगे, 0। ओके, तो 1 का हम पहले 1 लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 0, तो 0 तो काउंट नहीं होगा, 1 का हमारा आंसर आ गया 1। ओके स्टूडेंट, तो ये था पूरा एडिशंस। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 3 एडिशंस कंप्लीट होता है।
पार्ट टू जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ये पार्ट में जितनी भी एक्सरसाइज करवाई है वो आपको ये टेक्स्ट बुक के अंदर करना है, ओके, और इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कबुक देखेंगे।